नस का रिजल्ट मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव किया है। थैंक यू मैम। अनस तुम कहाँ पे हो इसमें? प्रिंसिपल है मॉन्टेसीसी के। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत होंगे। मैं फैज़ इकबाल आपका नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी सुबह सुबह का वक्त है और हम लोग कहाँ पहुँच गए अनस? स्कूल। अनस के स्कूल आए हैं। अनस के स्कूल में सुबह सुबह देखिए कितनी भीड़ है। और अनस के स्कूल के आने का रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है, अनस के स्कूल इसलिए आए हैं कि आज अनस का फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है। अब नर्सरी से अनस किस में जाएगा? केजी में चला जाएगा इंशाल्लाह अगर पास हुआ। और अबू, अनस के पापा को कोई टेंशन नहीं और कैंडिडेट को भी कोई टेंशन नहीं। अनस की अम्मा जो हैं वो सुबह से तस्बीह पढ़ रही हैं। नहीं बेटा फूल नहीं तोड़ा जाता। अनस की अम्मा सुबह से तस्बीह पढ़ रही हैं और अनस के पापा को और कैंडिडेट को कोई तरह का आपको टेंशन नज़र आ रहा है चेहरे पर? देखिए कैंडिडेट को टेंशन है बेटा तुमको? अनस तुमको टेंशन है बेटा? बोलो ना, बोलो ना, टेंशन है जल्दी बोलो ना। टेंशन क्या होता है? टेंशन क्या होता है? टेंशन किस चिड़िया का नाम है कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है। चलते हैं हम लोग पहले रिजल्ट लेके आते हैं। और हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, रिजल्ट लेके जो भी पेरेंट्स आए हैं जिनके चेहरे पर खुशी है उनका रिजल्ट समझिए सही है। और जो मुंह लटका के आ रहे हैं बच्चे का ऐसे कान पकड़ के खींच रहे समझिए कि उनका बच्चा किचिक किया है। तो अभी देखते हैं अदस का कान पकड़ेंगे कि अदस को प्यार करेंगे। चलते हैं रिजल्ट लेके आते हैं। क्या लगता है ना तुम पास? अनस का क्लास वो है लेकिन आज क्लास के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज एक लाइन से यहाँ मैम बैठी है यही रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हम लोगों का नंबर इनके बाद आना है। देखते हैं अनस का क्या रिजल्ट आया है। हम लोग सुबह मॉर्निंग में आ गए तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। अनस का रिजल्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव किया है। ये अनस की क्लास टीचर हैं। थैंक यू मैम। ये बहुत मेहनत की है अनस के साथ। थैंक यू मैम। रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ तो अनस का फाइनली हम लोग रिजल्ट ले लिए। अनस का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया है। वो गाड़ी देखिए कोई पेरेंट्स लेके आए, ज़बरदस्त लग रही है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं अनस का रिजल्ट। ये देखिए ये रिपोर्ट कार्ड इस बार मिला है। इस ये रिपोर्ट कार्ड है और ये अनस का देखिए मार्कशीट है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ में ठीक आया है। हैंडराइटिंग इंशाल्लाह और इम्प्रूव करेंगे। हैंडराइटिंग अनस की थोड़ी सही नहीं है। और अनस का जो टोटल मार्क्स था वो 672 आया है आउट ऑफ 700। और ये देखिए कितना प्यारा फोटो आया है। आप लोग बताइए अनस तुम कहाँ पे हो इसमें? खोज के बताओ कहाँ पे हो। ये देखिए अनस यहाँ पे। हाँ ये माइकल मैम जो अनस की क्लास टीचर हैं उनके वो हैं और ये प्रिंसिपल है मॉन्टेसीसी के। अनस का रिजल्ट इंशाल्लाह आगे और भी बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो रिजल्ट से हम पूरा सेटिस्फाइड हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैम जो है बहुत मेहनत की। अनस अब तुम केजी में कैसा रिजल्ट करोगे? केजी में A+ आना चाहिए। और तुम्हारी राइटिंग इधर इधर खड़े होके बताओ तुम्हारी राइटिंग जो सही नहीं है तो राइटिंग इम्प्रूव करोगे? करोगे थोड़ा दूर होके बताओ। अनस का खड़े होके होने का एक्टिविटी देखिए। अनस तुम्हारी राइटिंग जो इम्प्रूव नहीं है तो इम्प्रूव करोगे ना? हाँ। अच्छे से करोगे ना पूरा इम्प्रूव? हाँ। किसका नाम रोशन करोगे, अब्बू का कि मम्मा का? दोनों का। अच्छा आने से पहले रिजल्ट के आने से पहले तुमको टेंशन हो रहा था कि रिजल्ट आज निकलेगा? नहीं हमको भी टेंशन नहीं था। हमको भी टेंशन नहीं था, अनस को भी टेंशन नहीं था। अनस की अम्मा को पूरा टेंशन था। खैर अब चलेंगे हम लोग किसी अच्छे जगह इंशाल्लाह। और भीड़ देखिए हम लोग तो रिजल्ट लेके ले लिए।
अब बुक बुक सारा लेंगे अनस का, बुक जो है वही ज्ञान भारती से लेना है। अभी पेरेंट्स लोग जैसे जैसे आ रहे हैं उस हिसाब से उनको जो है रिजल्ट मिल रहा है। हम लोगों को 8:30 से 10:30 का टाइम दिया गया था तो हम लोग आ गए। और अनस का जो बुक है वो देखिए 28 तारीख को मिलेगा और केजी में अनस चला गया है तो 10 बजे से 2 बजे तक मिलेगा। और फिर एक ज़रूरी बात ये बोलनी है कि अनस का जो भी रिज़ल्ट है ये सारा क्रेडिट जो है वो अनस की मैम को ही जाता है और उन्हीं की वजह से अनस इतना करता है। हम तो उतना टाइम देते नहीं हैं और अनस की मम्मी टाइम देती हैं और वो बहुत गाइड करती है जिसके वजह से इतना अच्छा अनस का रिज़ल्ट जो है वो होता है। क्यों बोलो बेटा मैम को? थैंक यू मैम। हाँ अनस की ट्यूशन मैम को थैंक यू। इसका रिज़ल्ट होने की खुशी में क्या है, हम लोग आए हैं खाना आज रेस्टोरेंट में खाने। यहाँ पहले भी हम आए हैं, बाईपास पे है, पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे। ये उसका मेनू है, आपको अभी दिखाएंगे। शेरे बिहार बोल के ढाबा है, बहुत ही अच्छा ढाबा है, बाईपास पे पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे। ये यहाँ का बहुत स्पेशल है, चिकन चावल 2 पीस, चिकन करी एंड राइस। तो यही अपना ऑर्डर है। 1 साल पहले आए थे जब अनस का सेंट्रेसा में एडमिशन कराने आए थे, सॉरी इंटरव्यू कराने आए थे, तो वहाँ पर बैठ के खाना खाए थे हम लोग, वो भी व्लॉग हम डाले थे। फिर आज आए हैं, इससे बीच में एक बार आए थे, छोटा सा पार्टी था, उसका वीडियो नहीं बनाया। क्या अनस तुम यहाँ आए हो कभी? तुम्हारा नहीं है आपको एक बार लीची वहाँ पर पिलाए थे वो वाले ड्राइवर। हाँ फाइनली हम लोगों का जो ऑर्डर है वो देखिए आ गया है। चिकन एकदम फ्रेश है, ताज़ा गर्मा गर्म चिकन लेग पीस, और ये बासमती राइस सैलेड, और ये चिकन है, और रोटी आना है, और ये अनस का है। ये मोमोज कौन खाएगा? हम खाएंगे। नहीं हम खा लेंगे प्लीज। अच्छा कौन अच्छा है, अब्बू की मम्मा? बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो इतना। तो ये मोमोज हम खाएंगे? आपने खाएंगे पूरा। अच्छा मोमोज अनस खाएगा योनिस के साथ, और चिकन चावल हम खाएंगे। चौमिन आएगा। हाँ क्या हो रहा है? चौमिन मोमोज के बाद चौमिन अनस का मोमोज। अनस खा के बताओ तो टेस्ट कैसा है? गरम है, बहुत गरम है। और ये चिकन के साथ ये तंदूरी रोटी भी एकदम गरम, बहुत अच्छी रहती है। अनस का मोमो फर्स्टली रोटी से स्टार्ट कर रहे हैं, एक रोटी और पीस चिकन एकदम ताज़ा है, गरम है काफ़ी। चिकन आ गया, रोटी आ गया, इसमें बहुत जवाब है, बहुत ज़बरदस्त। तो यही आज हम लोगों का लंच है, लंच समझिए, ब्रेकफास्ट समझिए, जो समझिए यही है। तो इसी को फिनिश करके चलते हैं घर पे। अनस खाना कैसा लगा बेटा? अच्छा। ये लो, और खिलाल भी लोगे? खिलाल भी लोगे? मान भी चलेगा? वाह खाओ। तो खाना वाना हम लोगों का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खाना जो था बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया। तो आपको खाना जो है मटन खाना है वो, तो कभी भी यहाँ पे 2 बजे के अप्रॉक्स आए एकदम मिल जाएंगे मटन, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आए थे उनको मटन खाना था जो कि लौट गए। तो आप 2 बजे आएंगे तो आपको इंशाल्लाह मटन मिल जाएगा। चिकन मुझे जाहिर सी बात है मटन से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम चिकन खाए। अनस भी बहुत इंजॉय किया कि अंकल अनस को बैलून दिए। अब चलते हैं हम लोग घर, गाड़ी बहुत गंदी हो गई, इसको नहलाना भी है। हेलो बेटा चलिए अब। क्या बोल रहे थे? तेज पहुँच गए दुकान पे। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।